जय हिंद साथियों, आप सभी का मैं वेलकम करता हूं आपके चैनल झा मैथ्स मैजिक पे, जहां रखते हैं हम आपको प्रोसेस सिलेक्शन तक पूरा अपडेट और देते हैं रियल और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन और हेल्प करते हैं आपको आपके तैयारी में भी। चलिए, आज का जो ये पूरा का पूरा वीडियो है उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए है, उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो एज ए टीचर काम करना चाहते हैं, वो भी वन ऑफ द बेस्ट रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में। भारत के अगर हम दानी लोगों में बात करें, भारत के यदि हम दानी लोगों में बात करें तो वन ऑफ द बेस्ट कह सकते हैं, डोनर में नाम आता है अजीम प्रेम जी का। उन्हीं का फाउंडेशन है अजीम प्रेम जी फाउंडेशन, जो हर एक स्टेट में, ठीक है ना, हर एक स्टेट में स्कूल में हेल्प करते हैं, एजुकेशन में हेल्प करते हैं, एजुकेशन के अपलिफ्टमेंट में हेल्प करते हैं, अलग अलग तरीकों से हेल्प करते हैं, और साथ में उनका अपना स्कूल भी चलता है जो बिल्कुल उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए चलता है जो होनहार हैं, गरीब हैं, गरीब तबके के हैं। जी, हम बात कर रहे हैं अजीम प्रेम जी फाउंडेशन का। बहुत ही शानदार वैकेंसी निकल के आया है और वो भी बहुत सारे स्टेट में। अगर इसके पूरे वैकेंसी की बात करें सर, तो सैलरी बहुत ही शानदार होता है, और आप अगर गवर्नमेंट स्कूल के टीचर बनना चाहते हैं, कोई गवर्नमेंट स्कूल के टीचर बनना चाहते हैं और प्राइवेट में आप काम करना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट हम कहेंगे अजीम प्रेम जी फाउंडेशन में काम करना। यहाँ पे हर एक सुविधा भी मिलेगा, अच्छा सैलरी भी मिलता है और सीखने का बहुत मौका मिलेगा। अगर आप में टैलेंट है तो आप यहाँ पे पैसा भी कमाइएगा, रिस्पेक्ट भी मिलेगा और बहुत कुछ सीखिएगा। आइए, आप पूरी वीडियो में हम बात करेंगे अजीम प्रेम जी फाउंडेशन में वो वैकेंसी निकल के आया है। जो वैकेंसी निकल के आया है बहुत ही शानदार वैकेंसी है स्कूल टीचर और रिसोर्स पर्सन का। अगर हम स्कूल टीचर की बात करें तो ये पूरा का पूरा ग्रेजुएशन बेस्ड होगा। ग्रेजुएशन आपका सब्जेक्ट से होना चाहिए, इसके साथ साथ बीएड होना चाहिए। एक्सपीरियंस का कोई जरूरत नहीं है, अगर है तो बढ़िया है, ठीक है। इसके बाद रिसोर्स पर्सन की बात करें तो इसमें पीजी चाहिए, ठीक है, और साथ में आपको इसमें एक्सपीरियंस भी चाहिए। स्कूल टीचर रिसोर्स पर्सन का जो वैकेंसी निकल के आ रहा है वो किन किन स्टेट के लिए आ रहा है? झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और कर्नाटका। और सबसे बड़ी बात है कि इसका वैकेंसी निकलता है बहुत ही कम समय मिलता है लोगों को फॉर्म भरने का, तो आपका लास्ट डेट जो है ना वो है 22 दिसंबर 22 दिसंबर इसका लास्ट डेट है। आप इस डेट को जाके फॉर्म उससे पहले फिलअप कर लीजिए, 22 दिसंबर को शाम तक आप फॉर्म को फिलअप कर लीजिए। ऑनलाइन ही प्रोसेस है फॉर्म फिलअप का, अजीम प्रेम जी फाउंडेशन के वेबसाइट पे जाना है और वहां जाके फॉर्म फिलअप करना है। एग्जाम का डेट होगा 30 दिसंबर, ठीक है, एग्जाम का डेट होगा 30 दिसंबर, लेकिन उससे पहले कुछ प्रोसेस होगा। सबसे पहले आप फॉर्म फिलअप करिएगा, फॉर्म फिलअप करने के बाद वो लोग स्क्रूटनी करते हैं, मतलब जितने लोग भी फॉर्म भरते हैं उनके फॉर्म को देखा जाता है, उनके सीवी को, ठीक है ना, शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, उनके प्रोफाइल को देखा जाता है कि इनमें से किन किन बंदे का प्रोफाइल जो है हमारे स्कूल के लिए शूट करता है या रिसोर्स पर्सन के लिए शूट करता है, तो वो लोग शॉर्टलिस्ट होते हैं और ईमेल के माध्यम से, ठीक है ना, आपको बताया जाता है कि आप शॉर्टलिस्टेड हो चुके हैं टेस्ट के लिए। टेस्ट जो है इसका ऑनलाइन ही होता है, लेकिन कुछ जगहों पे इसका टेस्ट ऑफलाइन होता है, जहां पे ऑनलाइन की सुविधा नहीं होगा वहां ऑफलाइन होगा, तो टेस्ट इसका ऑनलाइन ही होता है। जब आप जो है ना फर्स्ट स्टेप इसका कंप्लीट कर देते हैं, मतलब आप टेस्ट को क्लियर कर लेते हैं, जब आप टेस्ट को क्लियर कर लेते हैं तो सेकेंड स्टेप इसका आता है, जहां पे वो आपको जूम के माध्यम से अपने पूरे फाउंडेशन के बारे में बताएंगे। इसके साथ साथ आपके हर एक क्वेश्चन का वो जवाब देंगे कि आपका सैलरी क्या होगा, ठीक है ना, किस तरह से काम किया जाता है, किस तरह से ये लोग काम करते हैं, क्या इनका ऑब्जेक्टिव है, क्या इनका मिशन है, वो पूरी बारीकी से आपको समझा देंगे। इसके बाद सेकेंड जो होगा वो क्या होता है, आपको टेलीफोनिक इंटरव्यू आपसे लिया जाता है। टेलीफोनिक इंटरव्यू सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिया जाता है कि जो आप सीवी दिए हैं, क्या उस सीवी में जो आपका शॉर्टलिस्ट हुआ, आप टेस्ट पास किए, तो वो जो दिया हुआ है वो जेन्युइन है कि नहीं। तो एक टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा, 5 मिनट बहुत हो जाता है, उसमें आपसे कुछ पूछेंगे, अगर वो क्लियर हो जाते हैं, सामने वाला जो है ना क्लियर हो जाता है आपसे बात करके, तो आपको जो है ना नेक्स्ट राउंड के लिए बुलाया जाता है। तो नेक्स्ट राउंड क्या होता है, नेक्स्ट राउंड अगर देखिएगा तो आपका होगा वीडियो कॉन्फ्रेंस होता है, ठीक है, मतलब जिसमें जो है ना जूम के माध्यम से आपका इंटरव्यू लिया जाता है, ठीक है, जो सब्जेक्ट आपका होता है उसी सब्जेक्ट के वो सामने वाले, ठीक है ना, स्कॉलर होते हैं,
और वो आपसे जो है ना इंटरव्यू लेंगे, मतलब आपसे क्वेश्चन सवाल जवाब करेंगे, ठीक है। नॉलेज बेस्ड इंटरव्यू होता है कि आप उस सब्जेक्ट का क्या नॉलेज रखे हुए, क्या कंसेप्ट है आपके पास, क्यों आप करना चाहते हो, बहुत सारी बातें होता है। अगर जब वो आप क्लियर कर देते हो तो ईमेल के माध्यम से आपको जो है ना बताया जाता है, या एचआर आपको फोन भी कर सकते हैं। जब ये भी क्लियर हो जाता है तब इसका फाइनल इंटरव्यू होता है। फाइनल इंटरव्यू के लिए आपको जिस स्टेट के लिए आप भरे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर छत्तीसगढ़ के लिए या झारखंड एमपी जिस स्टेट के लिए भरे हैं, उनका जहाँ पे ऑफिस होता है वहां पे आपको बुलाते हैं फाइनल इंटरव्यू के लिए। फाइनल इंटरव्यू में वहां पे 2 या 3 लोग रहेंगे, 2 या 3 मेंबर रहते हैं, 2 मिनिमम, ठीक है, और 3 मैक्सिमम, 2-3 मेंबर रहेंगे और वो आपसे क्वेश्चन आंसर करेंगे। इस पूरे प्रोसेस में एक चीज आपको देखने को मिलेगा कि पूरे का पूरा प्रोसेस जो है ना इतना शानदार है कि आपको फील नहीं होगा कि हम बहुत बड़ा इंटरव्यू दे रहे हैं। बहुत लोग ये सोचते होंगे यार स्कूल टीचर बनने के लिए इतना लंबा प्रोसेस, तो हम आईएएस ही बन जाएंगे। नहीं, ये सही प्रोसेस है, दिस इज द राइट प्रोसेस टू बिकम ए स्कूल टीचर या टीचर। सही बात, मायने में अगर देखा जाए तो टीचर एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है अपने सोसाइटी में, अपने समाज में, अपने देश के लिए, तो वहां पे उनका दायित्व तो बहुत ज्यादा होता है। तो टीचर ऐसा नहीं होता है कि आप किसी को भी टीचर बना दो, ठीक है। तो टीचर जो प्रोसेस इनका है बहुत ही शानदार प्रोसेस है, और क्रीम लोग जो होते हैं, जो रियल और जेन्यून होते हैं, उनका सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो इसके बाद जैसे फाइनल इंटरव्यू होगा तो वहां पे आपका क्वेश्चन आंसर करा जाएगा, और फाइनल इंटरव्यू में जब वो आपको बुलाएंगे तो जाने आने का भी जो है ना किराया देते हैं, भाड़ा देते हैं, सब कुछ देते हैं, खाने का, रहने का, एवरीथिंग दे विल प्रोवाइड यू, ठीक है, वो करेंगे। जब आपका फाइनल इंटरव्यू हो जाता है तो आपको रिजल्ट दे दिया जाता है और फाइनली आपको सिलेक्शन हो जाता है। अब अगर बात करें यहाँ पे तो सैलरी जो है ना ये आपसे ही पूछा जाएगा कि व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन, आपका एक्सपेक्टेशन क्या है, एक्सपेक्टेड सैलरी कितना होता है। तो अगर हम टीचर की बात करें तो आप जो है ना इनका मिनिमम जो है ना एक्सपेक्टेशन जो होगा 30 से कम की बात ही नहीं करो, तो मतलब 30 से 50 तक में आप जो है ना जा सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग जा सकते हो। किसी किसी को 50 भी मिलता है, किसी को 35 भी मिल सकता है, वो अकॉर्डिंग टू नो उसके पर्सन के अकॉर्डिंग वेरी कर सकता है। इसके बाद इसमें हर एक सुविधा दिया जाता है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को होता है, उससे ज्यादा करके इनको सुविधा दिया जाता है, ठीक है। और लर्निंग यहाँ पे बहुत मिलेगा आपको, सीखने के लिए बहुत सारा अवसर है, अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आप लर्निंग वाइल अर्निंग करना चाहते हैं, वो भी बढ़िया सैलरी के साथ अर्निंग करना चाहते हैं, और रियल एजुकेशन का मतलब समझना चाहते हैं, तो आपको ये फॉर्म भरना चाहिए, और आपको फॉर्म भर के इसके स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो फॉर्म का लास्ट डेट 22 दिसंबर है, उससे पहले अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के वेबसाइट पे जाना है, कैरियर वाले ऑप्शन पे जाना है, और वहां से अगर आप स्कूल टीचर का भरते हैं तो स्कूल टीचर वाले ऑप्शन पे जाइएगा, अगर आप रिसोर्स पर्सन का भरते हैं तो आप रिसोर्स पर्सन वाले पेज पे जाइएगा। रिसोर्स पर्सन का अगर हम बात करें काम, तो इनको स्कूल को कोऑर्डिनेट करना होता है, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल होते हैं वहां पे रिसोर्स प्रोवाइड करना, चीजों को मैनेज करना, ये क्लस्टर में काम करते हैं, ठीक है ना। तो ये इनका पूरा का पूरा काम होता है। हैंडसम सैलरी इनका भी होता है, बहुत ही अच्छा सैलरी इनको भी मिलता है, हर एक सुविधा मिलता है। हाँ, ये बात जरूर है कि इनको जो है ना रूरल एरिया में ही काम करना पड़ेगा, जबकि अगर हम स्कूल टीचर की बात करें तो इनका अपना ही स्कूल होता है, उसमें भी आपको रख सकते हैं, और जब जरूरत पड़ेगा तो आपको जो है ना फील्ड विजिट के लिए भी भेज सकते हैं, ठीक है। तो पूरा का पूरा ये प्रोसेस होता है अजीम प्रेमजी फाउंडेशन का। अगर आप सही में बनना चाहते हैं स्कूल टीचर अजीम प्रेमजी फाउंडेशन का, तो जरूर आपको फॉर्म फिलअप करना चाहिए, और इसके हर एक स्टेप को एकदम सीरियस लेके जो है ना क्रैक करना चाहिए। देखिए, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर इससे बढ़िया तो आईएएस बन जाएगा। देखो, वही चीज है ना, आईएएस इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले, ठीक है। उनका भी एक अपना प्रोसेस है, इनका भी अपना एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस को आप फॉलो करते हैं, स्कूल टीचर टीचर समझते हैं ना, इसका मायने बहुत होता है, लेकिन आज के डेट में पॉलिटिकल कारण, ठीक है ना, पॉलिटिकल इश्यू के कारण, ठीक है, वोट लेने के कारण टीचर का वैल्यू घटा दिया गया है, क्योंकि इनका जो सिलेक्शन का प्रोसेस है अगर थोड़ा टफ हो जाता है तो आप में से ही लोग बोलेंगे यार इतना टफ क्वेश्चन था, भाई टीचर बन रहे हो, ठीक है, आप जो है ना टीचर बन रहे हो, तो टीचर बन रहे हो तो प्रोसेस तो टफ होना ही चाहिए। तो बहुत ही बढ़िया प्रोसेस है, तो आपको ये फॉर्म फिलअप करना चाहिए। अगर आपको कोई क्वेरी हो इस वैकेंसी संबंधित, आप हमसे पूछ सकते हैं, डेफिनेटली हम आपको रिप्लाई करेंगे। एंड बेस्ट ऑफ लक, अगर आप इस फॉर्म को फिलअप करते हैं तो बेस्ट ऑफ लक, आपका सीवी शॉर्टलिस्ट हो जाए, और इसके बाद आप एक एक स्टेप को क्या करिए, क्रैक करिए। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग झा मैथ्स मैजिक, थैंक यू।